के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 1 जवान घायल बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी राजौरी पहुंच गए हैं, जहां एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 8 घंटे से एनकाउंटर जारी है। माना जा रहा है कि सेना ने आतंकवादियों के 2 से 3 ग्रुप्स को इस इलाके में घेर रखा है। ये वही आतंकी हैं जो पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले में शामिल थे। 3 मई को आर्मी को इनके राजौरी में जंगलों में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच गुफा के अंदर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादी मारे गए हैं। पूरे राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राजौरी, बारामूला, अनंतनाग और माछिल में पिछले 72 घंटों में 4 एनकाउंटर हुए हैं। वहीं राजौरी में एनकाउंटर के बीच भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने गोवा के पणजी में चल रही SCO मीटिंग में मुलाकात भी की। मुलाकात के कुछ ही मिनटों के बाद जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।